सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो दोस्तों, सार रजिस्ट्रेशन की कश्मकश के बाद अब शुरू हो चुकी है फिर से एक बार MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BPTh, BOTh, बाकी जो भी हेल्थ साइंस के अंतर्गत आने वाले कोर्सेस है उनके जो भी नीट यूजी के बेस्ड एप्लीकेशन है, नीट यूजी कोर्सेस अंतर्गत आने वाले सभी कोर्सेस है उनके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप भी सचेत हो जाए क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपको कल से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। नोटिफिकेशन आज ही डिक्लेयर हुआ है तो कल से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी। तो आपको कैसे यह सारी डेट्स पता चलेगी तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आपको सबसे पहले mahaceet.org के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको नीट यूजी बेस्ड जो यहाँ पर लिंक दी गई है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर आप इस लिंक पर आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की लिंक दिखाई देंगी, नोटिस वन की। यहाँ पर जो भी हेल्थ साइंस कोर्सेस है उन सारे कोर्सेज के नोटिफिकेशन डिक्लेयर की गई है 21 जून 2019 को और जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके सभी डेट्स यहाँ पर बताए गए है। नीट जो होता है वह नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और नीट को कंडक्ट करता है NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट का रिजल्ट लगा था 5 जून 2019 को और जब 5 जून 2019 को नीट का रिजल्ट लगा है तो आप नीट का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नीट का स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है नीट UG बेस्ड एडमिशन के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MBBS, BDS, BAMS और BHMS जैसे जो भी यहाँ पर BSc नर्सिंग जैसे जो भी कोर्सेस है उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कब से भरने हैं। तो यहाँ पर नीचे इवेंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की समय सीमा, आपको कल से यानी कि 22 जून 2019 से 26 जून 2019 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही में आपको पेमेंट भी करना होगा, वह पेमेंट भी आपको उसी समय के अनुसार मतलब 26 जून 2019 के पहले पहले मतलब 5 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट रहेगी वो पब्लिक होने वाली है 26 जून 2019 को 10 बजे के बाद में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी को करना होगा 28 जून 2019 से 1 जुलाई 2019 तक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है आपको NRI कैंडिडेट्स को सिर्फ। यह ध्यान रखिए NRI कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुंबई जाना होगा एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी AK नायक मार्ग पर। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिस्पेक्टिव सेंटर्स द डिटेल्स ऑफ विल बी पब्लिश्ड बाय वे ऑफ नोटिस। तो 28 जून 2019 से 3 जुलाई 2019 तक फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रहेगा। ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस स्पॉट फिलिंग प्रोसेस रहेगा MBBS BDS कोर्सेज के लिए 29 जून 2019 से 4 जुलाई 2019 तक और प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी वह 4 जुलाई 2019 को शाम के 5 बजे के बाद डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब डिक्लेरेशन और सिलेक्शन लिस्ट जो फर्स्ट राउंड की होगी MBBS BDS कोर्सेज के लिए तो वह 5 जुलाई 2019 को शाम को नाइट में 8 बजे के बाद ही डिक्लेयर की जाएगी। लास्ट डेट ज्वाइनिंग की होगी सिलेक्टेड कॉलेजेस जो ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड में एडमिशन के लिए चॉइस कोड चुनते हैं, तो MBBS BDS कोर्सेज के लिए तो 12 जुलाई 2019 को वह देख सकते हैं और कमिसमेंट जो होगी वह एकेडमिक सेशन की MBBS BDS कोर्सेज के लिए 1 अगस्त 2019 को। ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइसेस आपको फिलिंग प्रोसेस जो BAMS BHMS बाकी बचे कोर्सेस है उनके लिए 5 जुलाई 2019 से 11 जुलाई 2019 होगी और उसकी सिलेक्शन लिस्ट जो डिक्लेयर की जाएगी वह होगी 15 जुलाई 2019 को। ध्यान रहे लास्ट डेट ज्वाइनिंग की सिलेक्टेड कॉलेजेस के लिए रहेगी फर्स्ट राउंड के लिए, जो बाकी कोर्सेज बचते हैं उनके लिए 23 जुलाई 2019 की और इनका कमेंसमेंट होगा एकेडमिक ईयर का 1 अगस्त 2019 का। इस प्रकार से शेड्यूल चलने वाला है नीट बेस्ड नीट यूजी बेस्ड कोर्सेज के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको जरूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने हैं, जरूरी इंस्ट्रक्शन भी आप एक बार जरूर पढ़ ले क्योंकि यहाँ पर सभी स्टेप्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के दिए गए हैं।
यह हम आपको कल अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपके कमेंट्स हमें दिखाई देते हैं और आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो तब जाके हम इस अपडेट को अपलोड करेंगे, वरना हम इसे अपलोड नहीं करेंगे। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग, डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी और बाकी जो भी कोर्सेस है, एमसीए और अदर कोर्सेज जो भी है, उनके सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके सामने कभी नहीं आएंगी। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।